प्लॉट बेचकर, मकान बेचकर, फ्लैट बेचकर कमीशन लेने का काम नहीं है। जैसे दूसरी साइंस काम करती है, उसी तरीके से रियल स्टेट बिजनेस भी साइंस की तरह ही काम करता हो। प्रॉपर्टी प्लस डेवलपमेंट, जो उसमें डेवलपमेंट करते हो उसको रीशेप करते हो। जैसे कोई रियल स्टेट बिल्कुल एक ये नहीं है कि छोटा बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, जैसे बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है। यदि आप प्रैक्टिकल फार्मूले से समझना समझ जाओगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ हेलो दोस्तों, राजवान सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि रियल स्टेट बिजनेस है जो प्लॉट बेचकर, मकान बेचकर, फ्लैट बेचकर कमीशन लेने का काम नहीं है। ये नहीं है कि प्लॉट बेच दिया, कमीशन मिल गई और हम प्रॉपर्टी डीलर बन गए। नो नो, ये प्रॉपर साइंस है। जैसे दूसरी साइंस काम करती है, उसी तरीके से रियल स्टेट बिजनेस भी साइंस की तरह ही काम करता हूं। आओ आज मैं आपके साथ प्रैक्टिकल बात करता हूं। ये मैंने रियल स्टेट इज साइंस लिखा है, और ये जो लिखा है H2O, H2 होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू H2O, मतलब पानी का फार्मूला बन गया। पानी इज इक्वल टू वाटर, वाटर इज इक्वल टू लाइफ। मतलब जब तक H2+O ये दोनों का मिश्रण नहीं होता तब तक पानी नहीं बनता, जबकि पानी हमारे लिए लाइफ है, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसी तरीके से मैंने इसमें लिखा है प्रॉपर्टी है जो आप जो रॉ प्रॉपर्टी लेते हो, प्रॉपर्टी प्लस डेवलपमेंट जो उसमें डेवलपमेंट करते हो उसको रीशेप करते हो। जैसे कोई गहरी है, कोई डंप है, कोई गड्ढा है, उसमें मिट्टी डाल ली, कोई उसमें नीम डाल ली, कोई और अच्छी तरीके से कर दिया, तो वो जो डेवलपमेंट करके, मतलब प्रॉपर्टी प्लस डेवलपमेंट इज इक्वल टू रीशेप। ये प्रॉपर्टी रीशेप होगी। रीशेप का मतलब हायर प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम। ये बेसिक चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। रियल स्टेट बिल्कुल एक ये नहीं है कि छोटा बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, जैसे बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है। उसके लिए काफी काफी देर हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। आईटीआई के बंदे को 2-2 साल के फीटर का जो डिप्लोमा या डिग्री है जो भी है उसके लिए 3-3 साल, कोई इंजीनियरिंग के लिए 3-3 5-5 साल के लिए डिग्री है। इसी तरीके से रियल स्टेट बिजनेस भी एक साइंस है, इसको प्रैक्टिकल फार्मूलों से ही समझना पड़ेगा। यदि आप प्रैक्टिकल फार्मूले से समझना समझ जाओगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा। जिस आदमी को पता है कि गैस कैसे बनानी है, लेबोरेटरी में जाके गैस कैसे बनानी है, पानी का फार्मूला कैसे बन सकता है, पानी कैसे बन सकता है, जब वो हाथ से बना लेता है, मतलब नॉलेज ले ली पहले, तो ये नॉलेज ले ली, नॉलेज के बाद उस नॉलेज को अप्लाई कर दिया। मैं हमेशा कहता हूं जब नॉलेज अप्लाई होती है तभी जाके वो पावर बनती है। नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज अकेली नॉलेज पावर नहीं है। पावर क्या है? अप्लाइड नॉलेज इज पावर। जब ये H2O मिलके मिश्रण बन गया, इनका मिश्रण के बाद जब ये H2O बन गया, पानी बन गया, तो ये अपने पावर बना। पानी पावर तब बनेगा जब H2+O जो है इकट्ठे होके H2O बन गए, फिर पानी बन गया, पानी इज इक्वल टू लाइफ, फिर लाइफ बनेगा। इसी तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है आपने उसको रीशेप करना है। रीशेप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। जैसे यहां पानी बनाने के लिए क्या करना पड़ा, इनको दोनों को मिश्रण करना पड़ा दोनों का। इसी तरीके से रीशेप करने के लिए प्रॉपर्टी प्लस डेवलपमेंट का मिश्रण करना पड़ेगा। मिश्रण हो गया तो रीशेप, रीशेप इज इक्वल टू हायर प्रॉफिट। हायर प्रॉफिट जैसे भी आपके पास आना शुरू होगा तो आप फाइनेंशियली फ्री होते चले जाओगे। आप इतना पैसा कमा लोगे कि आपको, जैसे बंदा, कई बंदे मैंने ऐसे देखे जो जॉब कर रहे थे और एक डील में ही उन्होंने इतना पैसा कमा लिया जितना उनको 35 साल की जॉब में जाके रिटायरमेंट के वक्त मिलना था। तो इसका मतलब वो 35 साल वो जाने की जरूरत नहीं, इसका मतलब वो फाइनेंशियली फ्री हो गए। तो इसी तरीके से यदि आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो ये जो फॉर्मूले आपको अपनी जिंदगी में अपनाने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना यार, इसके ऊपर कमेंट करना, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच।